शोएब अख्तर को भले ही क्रिकेट से संन्यास लिए लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन वो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वो दिल की बात बोलने में नहीं हिचकते, फिर चाहे उस पर कितना ही बड़ा विवाद क्यों ना खड़ा हो जाए। ऐसा ही कुछ शोएब अख्तर ने एक बार फिर किया है। उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एक बड़ी बात कह दी। शोएब अख्तर ने कहा कि भारत के पैसों से पाकिस्तान के क्रिकेटर पलते हैं। शोएब अख्तर ने भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर हुई बातचीत के दौरान इस बात को माना है। उन्होंने कहा कि BCCI के जरिए जो पैसा ICC के पास आता है और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रेवेन्यू शेयरिंग के तहत वो पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजती है, उसी पैसे के दम पर ही पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेटर्स को मैच फीस मिल पाती है। अख्तर ने आगे ये भी कहा है कि वर्ल्ड कप 2023 सबसे अलग और रोमांचक होगा, क्योंकि मुझे अब 50 ओवर क्रिकेट का भविष्य नजर नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूं कि भारत इस विश्व कप से खूब पैसे बनाए। कई लोग इस बात को कहने से हिचकेंगे, लेकिन मैं साफ कहता हूं कि भारत से जो रेवेन्यू ICC को जाता है उसका हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है और इससे हमारे घरेलू क्रिकेटर्स को मैच फीस मिल पाती है। यानी कि भारत से जो पैसा आ रहा है उससे हमारे युवा क्रिकेटर पल रहे हैं। पूर्व पाकिस्तान पेसर ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर ये कहा है कि एक बार फिर दबाव जो है टीम इंडिया पर ही होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया के कारण टीम इंडिया पर काफी दबाव बना रहता है, हर बार ऐसा ही होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान से इसलिए नहीं हारता है कि टैलेंटेड खिलाड़ी उसके पास नहीं है, बल्कि मीडिया और फैंस का बहुत ज्यादा दबाव टीम पर बना रहता है। हमारे ऊपर प्रदर्शन का कोई दबाव नहीं दिखता है। इसका नतीजा ये रहा है कि भारत दबाव में बिखर गया है और हम खुलकर खेलते हैं और मैच को जीत जाते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।